नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से जितने सारे व्यूअर हैं, जितने सारे उद्यमी लोग हैं, हम सभी से शांति की अपील कर रहे हैं। कुछ लोग जो फिजिकल प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, प्लीज़ ये सब काम नहीं करना है। अब जितने भी जो भले ही आप डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको आप बरकरार रख सकते हैं। फिलहाल मेरा जो इस वीडियो में शांति की अपील मैं करने आया हूँ, और आप कुछ लोग जो हताश हो रहे हैं, जितने भी हमारे व्यूअर जिन्होंने हैशटैग जस्टिस फॉर उद्यमी बिहार का जो ट्रेंड कर रहे थे, उसके ये मन में संचय है कि जो हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं, इसका निगेटिविटी रिजल्ट आया है, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपके साथ हूँ और रहूँगा, और आप लोगों का जो साथ जो हमें मिला है, उसे मैं बहुत मोटिवेट हूँ, बहुत ही खुश हूँ। साथियों, आप ऐसा मत सोचिए कि इसका जो है ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है, पॉजिटिव रिजल्ट ही आया है। अरे, आपको दबाव में ही तो मान लेते हैं कि आप जो हम लोग ट्रेंड कब से किए हैं, 11 बजे शुरू किए हैं, और कल ही ट्रेंड किए, और कल ही शाम को एक ऑफिशियल नोटिस आ गया कि 49 ट्रेड में ही आपको करना है। इससे पहले दे रहा था क्या? इससे पहले जो है 27 तारीख को मीटिंग होता है, तो देना होता तो दो दिन के अंदर, यानी 29-30 तारीख तक देता था कि नहीं। लेकिन इतना दिन वेट क्यों किया? तो आपके दबाव में आकर के ऐसा किया है। अब जब अभी लॉगिन का ऑप्शन भी नहीं खुला हुआ है, लॉगिन का ऑप्शन खोलता ना तो इसमें टाइम लगता। अभी ये लोग सोचा कि भाई अभी ये ट्रेन करवा रहा है, हो सकता है कि उद्योग मंत्री, अभी हमारे पास उद्योग मंत्री जी हैं, अगर एक चांस है तो रिट्वीट का हो सकता है। लेकिन अभी मैं शांति का अपील कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बुलडोजर वाला मामला चल रहा है, पप्पू यादव जी पर ज़्यादा अभी चर्चा में चल रहा है, और पटना में कुछ जगह पे क्या है कि धारा 144 लगा हुआ है। इसलिए आप मेरा मानिए कि जो अगला सप्ताह तक हम उस पर एक अलग से भी हार नहीं मानेंगे, बैठेंगे नहीं। हाँ, बस अत सरकार का पूरी सपोर्ट हम लोग करना है, सरकार का हम एंगेज में कभी नहीं है। हाँ, लेकिन जो सरकार का जो व्यवस्था है, उससे कुछ बहुत सारा लोग नाराज है। नाराजगी का यानी मकसद क्या है? इसीलिए मैंने 3 मांग किया था कि एक ये मान लेते हैं कि आप जो कैलेंडर है डेट कैलेंडर जारी करो, कि मान लेते हैं कि जिस भी जिला में कब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, कितने व्यक्ति को ट्रेनिंग होना है, कितने को नहीं हुआ है, कितने को ट्रेनिंग होने वाला है, कब पेमेंट आएगा, कब नहीं आएगा, कब हो सकता है, कब आपका पैसा आने वाला, यानी पूरे पारदर्शी ढंग से आप एक कैलेंडर जारी कर दीजिए। इसीलिए मेरा मानना था आप कैलेंडर जारी करो। ओके, तो कैलेंडर का ये पॉजिटिविटी था कि इससे होता कि आपका जो है ना, अब आप लोग मान लेते कोई काम कर रहे हैं, आप पता नहीं चला कि कब आपका ट्रेनिंग है, तो एक पॉजिटिविटी रहता कैलेंडर से, उसमें आपका पूरा डेट आ जाता, या मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे जहाँ पे जिला है वही पे जो एक पोस्टर टंग देता कि हम फलाने अमुक अमुक डेट में हम ये काम करने वाले हैं, या ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे डाल देता कि फलाने जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में ये इतना लोगों का चयन हुआ है, और इतना लोगों का अब ट्रेनिंग होने वाला है, इतना लोगों का पैसा आ जाएगा, यानी डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट बाई दे देता क्या, तो ये पारदर्शी होता। अच्छा, छोड़िए, इसके बाद है कि आपका हमने 3 मांग वो कैलेंडर वाला रखा था, और एक रखा था कि भाई जो 10 लाख की राशि है वही रहना चाहिए, और एक हमने रखा था कि 100 जो 2 प्रोजेक्ट होना चाहिए, 49 प्रोजेक्ट को हम बहिष्कार करते हैं। लेकिन अभी दबाव में आ गया, जब आप लोगों का जो ट्रेन इन्होंने देखा, इसके दबाव में आकर यार पॉजिटिव ही आया है भाई, पॉजिटिव सोचो, है ना। नहीं तो इतना दिन से मान लेते हैं 27 तारीख का हुआ, आज तक नहीं हुआ था, एकाएक आप 11 बजे से ट्रेन किए, कल क्यों हो गया? इससे देखिए क्या होने वाला है, इस वीडियो में पूरा मैं चर्चा कर रहा हूँ। ओके, बारीकी से, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, और जो भी मान लेते हैं कि आप संचय आपके मन में सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे लोग लॉगिन करते हुए अगर लॉगिन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है भाई? आनंद फरान में ये काम किया है, नहीं तो पूरा इसको लॉगिन करने के लिए, फिर ऑप्शन के लिए, फिर उसको करना पड़ेगा कि सोझे हो जाएगा। आनंद फरान में आपके दबाव में आकर के ऐसा ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। इसके बाद है कि आपका एक चीज़ में और मैं आपको करना चाहूँगा
कि ये जो डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ है इससे फ़ायदा क्या हुआ है, तो डायरेक्ट तो फ़ायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके दूरगामी लाभ दिख रहा है। अब जब भी कोई आपका प्रॉब्लम होगा तो आपका भाई हरिनंदन आपके साथ है, हर सुख दुख में आपका साथ रहेगा। चाहे हो सकता है कि पेमेंट में आपका देरी करेगा तो ट्विटर कम आएगा, रिट्वीट करेंगे बस दबाव में लाएंगे, भाई पेमेंट दो। किसी पदाधिकारी की मनमानी नहीं चलेगा। अब भविष्य में जब भी मानते हैं कि आपका पैसा मिल जाएगा, उद्योग आप लगा लीजिएगा, हो सकता है कि लोन में आपका रिटर्न करना है, कहीं लेट हो गया, मनमानी करेगा, तो वहाँ पर भी हम आपके साथ हैं। तो ट्विटर कैंपेन बहुत ही अच्छा है और डिजिटल प्रोटेस्ट ये कारोबार होना चाहिए, ताकि उसको भी भौनक हो जाए कि ये लोग हार नहीं मानने वाला है। भाई क्या, अब देखिए अन्याय को सहना भी क्या है, अन्याय है, इतना अन्याय को सहना ही भाई बर्दाश्त से फाजिल था भाई, ठीक है। अब क्या है कि हो सकता है कि जब आप लोग का पेमेंट हो जाएगा, नया बहाली में लेट कर रहा है, तो न्यू जो ट्रेन करवाना है, न्यू वैकेंसी के लिए भी ट्रेन किया जा सकता है, इसके दूरगामी लाभ दिख रहा है और दबाव में लाने का ये बेस्ट जो जरिया है। अब हमें आगे क्या करना चाहिए, तो मेरे भाई अभी सुनो, ध्यान से सुनो, पहले अभी कुछ नहीं करना है आप लोगों का, एकदम चुप हो जाइए, साइलेंट मोड में चले जाइए, कि ऐसे उनसे हो जाना है कि कुछ हम लोग कर भी नहीं किए हैं। हाँ कहते हैं ना कि भाई मार के घस की क्या, तो झगड़ा उगड़ा हो गया तो मार दो घुसक जाओ, वहीं हम थे भी नहीं किए क्या, तो ये पूरा ट्रेंड हो गया। अब इसके बाद सबको पता हो गया, देखिए सबको पता हुआ तो अभी तो ये भाई एकदम ये ऑफिशियल नोटिस दिया है, नहीं तो ये सब सुहा हुआ था, तो बहरे लोगों को, गूंगों लोगों के इतना सुनाना ज़रूरी था, इतना समझिए। इसके बाद कुछ लोग सोच रहे हैं कि फिजिकल प्रोटेस्ट करें, तो मेरे भाई आप किसी को घर घिरावा नहीं कीजिए कुछ, क्योंकि अभी बुलडेजर वाला काम अभी चल रहा है, तो दूसरे वहाँ है, वहाँ धारा 144 लगा हुआ है, डीएम महोदय जो डीआईजी सब है वो सब है, वहाँ पर अपने मेंटली वो जूझे हुए हैं, आप इसमें टपक जाइएगा तो ये सब हमको पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मैं आपके सुख दुख में हूँ और प्लीज़ मेरा बात मानिए, अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, साइलेंट मोड में चले जाइए। हाँ, और जो भी आपका समस्या होगा, अब समस्या नहीं होगा क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि जीएसटी के लेकर के क्या है नहीं है, एकदम सिंपल प्रोसेस रहेगा। और एक वीडियो में भी जो कैमूर का जो जिला महोदय है, वो पदाधिकारी है, निदेशक है, नोडल पदाधिकारी है, उन्होंने भी क्लियर किया है कि जो भी, हाँ अब कुछ, अब कुछ लोग कह रहे हैं क्या कि सर हमको तो डाउट है कि भाई जो 10 लाख की राशि देगा कहीं यहूँ में ना कमा देवे, कि भाई मनमाना क्या है, 102 प्रोजेक्ट से 49 पर आप ला दिया है, अब हो सकता है कहीं मनमाना के तहत 10 लाख कहीं यहूँ ना कमी कर दें, तो एकदम ये सब चर्चा में ही नहीं लाओ, ये कमी करेगा, बस बोला हुआ है कि 10 लाख हम देंगे तो देंगे, तो 10 लाख ही देना है, क्योंकि वादा भी किया है 10 लाख का। तो आई होप आपको शांति के अपील में कर रहा हूँ, अभी प्लीज़ आप लोगों को कोई ऐसा एक्शन नहीं लीजिए कि भविष्य में आपका कुछ हो, क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले BST ऑल टिप्स टाइप करना है, BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, जो भी टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लगा रहेगा।